बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में सुशील मोदी उनमें से एक थे। वो 72 वर्ष के थे और कैंसर से पीड़ित थे। बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके उनके निधन की जानकारी दी, साथ ही दुख भी जताया। उन्होंने लिखा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। ये बिहार भाजपा के लिए अपूर्णीय क्षति है। आपको बता दें कि सुशील मोदी को बीते 6 महीने से कैंसर था। खुद को कैंसर होने की जानकारी उन्होंने अपने एक एक्स पोस्ट में 3 अप्रैल को दी थी। वहीं उनके निधन की जानकारी बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। सुशील कुमार मोदी, उनका जन्म 5 जनवरी 1952 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल मोदी और माता का नाम रत्ना देवी था। उन्होंने पत्नी जेसी सुशील मोदी, जो कि ईसाई धर्म से हैं और प्रोफेसर हैं, और उनके 2 बेटे हैं, जिनमें एक का नाम उत्कर्ष और दूसरे का नाम अक्षय अमृतांशु है। सुशील कुमार मोदी ने पटना साइंस कॉलेज से बॉटनी विषय से ग्रेजुएशन किया था और वो पहली बार 1990 में बिहार विधानसभा के लिए विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1995 और 2000 में भी विधायक चुने गए। वो लगातार 3 बार विधायक रहे। सुशील कुमार मोदी का 3 दशक लंबा ये राजनीतिक करियर रहा। इस दौरान वो विधायक, एमएलसी, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद भी रहे। बिहार सरकार में उन्होंने वित्त मंत्री तक का पद संभाला। वो 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे, पहली बार 2005 से 2013 तक और दूसरी बार 2017 से 2020 तक डिप्टी सीएम का पद संभाला। आपको बता दें कि वर्ष 1974 में जेपी आंदोलन के समय सुशील मोदी की अहम भूमिका रही थी। उन्होंने छात्र जीवन से ही सियासत में एंट्री की थी। 1973 से 1977 के बीच वो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री थे। सुशील मोदी 1990 में सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और उन्होंने पटना सेंट्रल विधानसभा से चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की थी। सुशील मोदी अपने राजनीतिक करियर में जेल भी गए। जेपी आंदोलन और इमरजेंसी के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया। 1974 में छात्र आंदोलन के दौरान भी उन्हें 1 बार गिरफ्तार किया गया था। इमरजेंसी के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो वो 19 महीने तक लगातार जेल में थे। इमरजेंसी के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्टेट सेक्रेटरी सुशील मोदी को नियुक्त कर दिया गया। सुशील मोदी ने एबीवीपी के कई अहम पदों पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। वहीं दूसरी ओर बांकीपुर, फुलवारी, बक्सर, हजारीबाग, दरभंगा, भागलपुर जेल और पीएमसीएच कैदी वार्ड में कारागार अवधि में वो बंद किए गए। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान 10 दिनों की उन्होंने जेल यात्रा भी की।